मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ ये समझना आत्मविश्वास है, परंतु केवल मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये समझना अहंकार है। 94.3 MyFM से मैं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। अभी अभी जो ये वाक्य मैंने कहा, इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी एक गाय और एक शेर की। गाय पालतू पशु होता है, ये गाय भी पालतू ही थी। रोजाना चरने के लिए जाया करती थी और शाम को अपने मालिक के घर समय पर पहुंच जाया करती थी। एक दिन रोजाना की तरह चरने के लिए निकली गाय, लेकिन आज जंगल में थोड़ा अंदर चली गई और शेर की नजर गाय पर पड़ गई। गाय ने भी देख लिया कि शेर मेरे करीब आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर इधर उधर भागने लग गई वो गाय, और शेर उसके पीछे। गाय आगे भाग रही है, शेर उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे में गाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक चोट तो उसे लग रहा था कि शायद आज मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगी। सामने उसे तालाब दिखा, तालाब में घुस जाती है गाय, लेकिन पता चलता है यहाँ पानी ज्यादा नहीं बल्कि कीचड़ ज्यादा है। थोड़ा आगे जाकर गाय उसमें धंसने लगती है। गाय के पीछे पीछे आकर शेर भी उसी दलदल उसी कीचड़ में फंस जाता है। अब आलम यह है कि गाय और शेर बहुत नजदीक है, बहुत पास हैं, लेकिन दलदल में कीचड़ में इस तरह फंसे हुए हैं कि हिल भी नहीं पा रहे, और गाय के इतने नजदीक होते हुए भी शेर उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक दोनों इधर उधर देखते हैं और फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि हम खुद तो इस दलदल से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गाय शेर से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर पूरे अहंकार के साथ कहता है कि मेरा कोई मालिक कैसे होगा, मैं खुद जंगल का राजा हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं होता, तुम्हारी तरह कोई पालतू पशु नहीं हूँ मैं। तो गाय ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, अच्छा इतनी ताकत आज किस काम की, तुम तो दलदल में फंस गए हो। तो शेर ने कहा, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तो तुम भी तो मेरे ही जैसी स्थिति में हो, यही दलदल में तो फंसी हुई हो। उसने कहा, नहीं। गाय ने कहा, तुम और मैं एक स्थिति में नहीं है, कुछ देर बाद जब मेरा मालिक पाएगा कि मैं समय पर घर नहीं आई हूँ तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और मुझे बचा कर ले जाएगा, लेकिन तुम्हें बचाने कौन आएगा? कुछ देर बाद वाकई यही हुआ, एक आदमी आया, वो उस गाय का मालिक था। गाय को उसने दलदल से किसी तरह बाहर निकाला। गाय ने, गाय के मालिक ने, दोनों ने एक दूसरे को कृतज्ञता से देखा और फिर आगे जाने लगे। दोनों के मन में विचार आया कि क्या इस शेर को बचाएं, लेकिन उसे बचाने पर उन्हें खुद की ही जान पर खतरा नजर आ रहा था, इसलिए शेर को नहीं बचाया, और उस शेर को बचाने वाला कोई नहीं था। उसी दलदल में उस शेर की जान चली गई। इस कहानी में समझने की बात यह है कि ये जो मनुष्य था जो गाय को बचाने आया था वो ईश्वर है। कहानी में जो कीचड़ है वो संसार का प्रतिरूप है, और ये जो संघर्ष चल रहा था ये हमारे अस्तित्व को बचाने का। इस कहानी में गाय एक पवित्र शांत मन का प्रतीक है और शेर अहंकारी मन का प्रतीक है। हम ये मानते हैं कि हम अपना हर काम खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच लेना कि हमें दुनिया में कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अहंकार है, और ये अहंकार अक्सर लोगों को दलदल में डुबा देता है। उस समय जब आपको लोगों की जरूरत होती है फिर आपको किसी का साथ नहीं मिलता। तो खुद पर विश्वास रखिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप इतने सक्षम हो कि अपने लिए सब कुछ खुद कर सके, मगर खुद को इतना ओपन तो रखिए कि आप वक्त पर किसी से मदद मांग सकें। तो आत्मविश्वास रखिए लेकिन अहंकार नहीं। विनी के साथ 94.3 MyFM पर चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।